साथ हमें जिस तरह से हम किसी अपनी फ्रेंड के घर जाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो बिछड़ा हुआ होता है, या बहुत पुराना कोई रिश्तेदार होता है और हम वेट कर रहे होते हैं कि कभी हमारी मुलाकात हो उससे, कैसी एक्साइटमेंट होती है उससे मिलने के बाद। चेक करें क्या मुझे मेरे अंदर जो है वो कैफियत है आज कुरान पढ़ने से पहले, ठीक है? क्योंकि अभी हमने डेली अपने आप को चेक करना है कि क्या कुरान अब मेरी प्रायोरिटीज में से है। जितनी खुशी मुझे अपने बाकी कामों के लिए होती है, क्या कुरान के लिए भी वैसी खुशी होती है? क्या जब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं तो क्या हमें वैसी खुशी होती है जैसा हम जब किसी बाकी लोगों से मिलते हैं? क्योंकि अभी तो अल्लाह ताला हमसे बात करेगा ना, तो ये तो अल्लाह ताला के साथ एक बात करने का जरिया है। अभी हमने लास्ट वीक जो है सूरत अल फातिहा इसका तर्जुमा किया था। असल में मैं बेटा बहुत ज्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगी, मैंने अभी स्टूडेंट्स को ग्रामर खत्म करवाई थी, कंप्लीट करवाई थी, और वो बेसिक ग्रामर थी कि जिसको पढ़ने के बाद आपको ये छोटी छोटी जो बेसिक ग्रामर है तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको कुरान मजीद समझ आ जाए, ठीक है? उसमें मैंने वही रूल्स जो हमने ग्रामर में पढ़े थे वही यहाँ पे अप्लाई किए थे, और फिर मैंने बहुत माइनर सी तर्जमा तफसीर, माइनर तर्जमा तफसीर स्टूडेंट्स को करवाया था। आज हम सूरतुल बाकरा पढ़ने जा रहे हैं, और पीछे जो है हमने लास्ट लेसन में सूरतुल फातिहा, फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली, ठीक है, जिससे स्टार्टिंग होती है, ठीक है? और सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है, इसको शिफा भी कहा जाता है, इसको अर-रुकिया भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये सूरत अल फातिहा है, और इससे जो है ना सिर्फ कुरान जो है वो स्टार्ट होता है बल्कि दिलों के जो दरवाजे हैं वो भी खुल जाते हैं। सूरत अल फातिहा के बारे में कुछ अहदीस है वो आपको बताती चलूं। हजरत अबू सईद बिन मौला बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक सूरत बताऊंगा जो कुरान में सब सूरतों से ज्यादा अजमत वाली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, यानी सूरह फातिहा। इसमें 7 आयात हैं जो नमाज की हर रकत में दोहराई जाती हैं। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। हजरत अबादा बिन साबित रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से है, इसके मायनी रब जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों में है, इसके मायनी है तमाम कायनात का परवरदिगार, खालिक, मालिक, मुंतजिम, राज़िक, आका, मुदब्बिर, दाता, निगहदार, मुहाफिज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से हम आहोंगोगी, यानी कि फरिश्तों की आमीन से मिल गई, उसके पिछले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि सूरह फातिहा जो है ये जो है अगर इस जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, और अगर हम फरिश्तों की आमीन हमारी आमीन से मिल गई, या हमारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, तो फिर क्या होगा, हमारे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब हमारी दूसरी सूरत है जो कि सूरतुल फातिहा है, सूरतुल बकरा है। सूरतुल फातिहा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वो हिदायत थी। अल्लाह ताला से हम रोज दुआ मांगते हैं, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से रोज हम कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद चाहते हैं। करते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत, ठीक है? अब्द किसे कहते हैं, बंदे को कहते हैं ना, जो गुलाम होता है, हम हैं अल्लाह ताला के गुलाम, ये अपनी मर्जी करते हैं। करते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत, या फिर हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। क्या हम वाकई अल्लाह से मदद चाहते हैं, या डिग्रियों से मदद चाहते हैं, या फिर हमारे पीआर बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर हमें लगता है अच्छा फलाने बंदे से बना के रखो, काम बड़े आए, आगे जाके काम आएगा। हमें किससे जो है बहुत ज्यादा जो है चाहिए,
सबसे ज्यादा तारीफ हमें बंदों से चाहिए कि रब से चाहिए? जरा सोचिए ना, बंदों से चाहिए कि किसी तरह कोई बंदा मेरी तारीफ कर दे। अब यहाँ पे हम रोज 5 वक्त की नमाज में कितनी दफा बोलते हैं, हर रकत में बोलते हैं, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशंस क्या हैं? क्या हम वाकई सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद चाहते हैं, सिर्फ उसी को सजदा करते हैं, उसी के आगे झुकते हैं, या हम शैतान के भी ताबे हो गए, या हमें ये लगता है कि शायद थोड़ी सी दुनिया और दीन थोड़ा मिक्स कर दिए जाएं तो शायद हम कामयाब हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला से, बहरहाल हम रोज अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, या अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है, बस मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, ठीक है। और हिदायत क्या है? हिदायत बिल्कुल सीधे रास्ते को कहते हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता, हिदायत के रास्ते पे। अब जब हिदायत की बात आती है ना, लोगों के दिमाग में आता है शायद हिदायत का मतलब ये कि इंसान सिर्फ सजदे में पड़ जाता है और सिर्फ कुरान ही पढ़ना शुरू कर देता है, उसको शायद हिदायत कहते हैं। हिदायत अगर इंसान को जिंदगी में मिल जाए तो उसको जिंदगी सही तौर पे गुजारना आ जाती है, वो जिस कदम पे चलता है अगर उसको हिदायत नसीब है तो वो सही फैसले करने लग जाते, ठीक है। वो सिर्फ दीनी लिहाज से नहीं, दीन बेटा दुनिया में दीन नहीं है लेकिन दीन में दुनिया है। हमारा जो दीन है ना, हमारा दीन है इस्लाम, वो फितरत पे बना ना, तो हमारे दीन में दुनिया है ना, लेकिन दुनिया में दीन नहीं है। अगर आप दुनियावी रास्तों में चलेंगे शायद आपको दीन इस्लाम की कोई बात भी नहीं कोई बताना पसंद करेगा, शायद उस पर आपको चलना भी मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप दीन पे चलेंगे ना, वहां से देखें दुनिया भी आपकी कामयाब होती है, और उसमें आपके सामने मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। सब कुछ छोड़ के जब कुरान को थामा था ना, तब अल्लाह ताला ने एक नाम दिया था, तो जिक्र फिर मेरा अल्लाह ने किया था दुनिया के अंदर। जब आप रब का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपका जिक्र करता है फरिश्तों की महफिल में, ठीक है। और फिर वो फरिश्ते जो हैं वो जमीन पे फैल जाते हैं और फिर हर बंदे की जुबान पे उसका जिक्र होता है। ये जितने भी नेक लोग हैं ये सब अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले थे। सहाबा कराम की डेथ हुए हुए कितना अरसा हो गया, खुलफाए राशिदीन की डेथ हुए हुए कितना अरसा हो गया, वसाल हुए हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन आज भी अम्बिया को, खुलफाए राशिदीन को, आइमा को, ठीक है, सहाबा ग्राम, ताबईन, तबा ताबईन को जाना जाता है, बुजुर्गाने दीन को जाना जाता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जो है अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन सबको आज भी जाना जाता है। क्यों? अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद किया था, ठीक है, इस वजह से। तो जब हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और एक ही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं ना, फिर कंफ्यूजन से हम निकल जाते हैं, फिर आपके लिए दो मतलब डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा ये चीज अल्लाह को पसंद है, ये नहीं है, चलो ठीक है छोड़ दिया, जो पसंद है उस पर चलना शुरू इंसान हो जाता है, करते करते आपकी सारी कंफ्यूजन वन बाय वन दूर हो जाती है। फिर हमने कल अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह मुझे सीधे उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पर। इनाम याफ्ता लोग कौन है? आज के दौर की अगर हम बात करें, हम इनाम याफ्ता हर उस बंदे को समझते हैं जिसके पास पैसा है, और पैसे वाला ये कहता है कि मेरे पास इसलिए बहुत पैसा है क्योंकि शायद मैं कोई अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा हूँ और मैंने कोई बहुत नेक काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना पैसा दिया था। तो मैं अक्सर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या फिरौन के पास पैसा नहीं था? पैसा फिरौन के पास था? था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बादशाह बनाया था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी बादशाह बनाया था और फिरौन को भी बादशाह बनाया था। तो पैसा स्टेटस इज नॉट द सिंबल के वो आप अनअमता अलैहिम में से हैं जिन पर तूने इनाम किया।
अनमता अलैहिम कौन लोग हैं? वो चार लोग हैं, अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन। ये चार लोग हैं, अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन, जिनको हम कहते हैं दे वर द ब्लेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अंबिया, शोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन। अब ये हमने देखना है कि क्या हम इन लोगों को ब्लेस समझते हैं कि नहीं समझते। हजरत इब्राहिम और नमरूद को अगर आप कंपेयर करें तो नमरूद उस वक्त का बादशाह था, ठीक है, और हजरत इब्राहिम जो है वो एक मतलब आप उनका स्टेटस देखें तो कौन ज्यादा ब्लेस था, हजरत इब्राहिम के नमरूद? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो किसी की अमीरी और गरीबी से ये मत जज करें कि वो शायद इस पे कोई अल्लाह का अजाब आ गया है या इस पे कोई अल्लाह की खास करम नवाजी है। अन अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो हम रोज अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें उस रास्ते पर, उस सीधे रास्ते पर चलना जिन पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। और उसमें हम रोज अल्लाह ताला से मांगते हैं या अल्लाह अंबिया के रास्ते पर चलाना, या अल्लाह शोहदा के रास्ते पर चलाना, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना और सालेहीन के रास्ते पे चलाना। क्या हमने कभी कुरान खोल के देखा कि अंबिया का रास्ता कौन सा था? शोहदा, जो हक की गवाही देने वाले होते हैं, क्या हमने कभी कहा कि ये बात गलत है, ये नहीं करना? हम तो खुद बुराई और भलाई सबको मिक्स कर देते हैं। तो कुरान खोलते हुए बेटा अपनी जजमेंट, सेल्फ जजमेंट खुद करनी है, ठीक है, हम सब ने करनी है अपनी अपनी। जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। और हमारा असल टारगेट क्या है कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे रोज अपना जो है तस्किया करना है, रोज मौत को याद करना है कि मुझे मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नेकी का पता चल जाने से इंसान नेक नहीं होता। जब तक इंसान के को रोज ये याद नहीं आएगा ना कि कयामत के रोज या मरने के बाद कब्र में मेरा हिसाब किताब होना है और मुझसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तब तक इंसान नेक नहीं होता। ये सेम उस तरह से है कि आखिरी 3 महीने में सारे स्टूडेंट्स तैयारी करने बैठ जाते हैं, क्यों? उनको पता होता है एग्जाम सर पे है। मौत ने आपके किसी एग्जाम की एग्जाम का इंतजार नहीं करना, टाइम भी नहीं बता के आएगी। ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आउट है, ये वो क्वेश्चन पेपर है जो आउट है और इसके सारे आंसर्स भी गिवन हैं इन कुरान मजीद। जब हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे अल्लाह एक सवाल करेगा हमसे, दुनिया में वक्त कहाँ पे गुजारा था, और हम अल्लाह ताला को जवाब देंगे या अल्लाह दुनिया की डिग्रीज के पीछे। हर चीज के लिए वक्त था, सिर्फ एक तेरे कुरान के लिए वक्त नहीं था, वो नहीं सीखा, बाकी हर चीज सीख ली। क्या जवाब देंगे, अल्लाह ताला क्या कहेगा? अल्लाह ताला ऐसे माफी हो जाएगी हमारी सोचे? क्या मेरी माफी अल्लाह ताला को ये कह के हो जाएगी कि या अल्लाह एक कुरान नहीं पढ़ा बेटा? ये अगर हम कहते हैं ना इल्म हर मुसलमान पे फर्ज है, तो वो सिर्फ दुनियावी नहीं है, दीनी भी है। कुरान सबसे पहले अव्वल जो फर्ज है वो कुरान है, और बाकी जितने भी नॉलेजेस हैं, जितनी भी किताबें हैं, आप जरूर मास्टर्स करें, आप जरूर एमफिल करें, आप जरूर पीएचडीज करें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन अल्लाह ताला एट दैट टाइम आपसे पूछेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, ए बंदे तू क्या करके आया? अब आप देखें व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, मैं रोज क्या करती हूँ, मैं कौन सा ऐसा काम करती हूँ जिससे मुझे मेरी अपनी जात को फायदा हुआ हो, मेरी जात से किसी दूसरे बंदे को फायदा हुआ हो, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को फायदा हो। अल्लाह ताला ने रश्क किया ना उस शख्स पे जो इल्म सीखता है और औरों को सिखाता है। रश्क के काबिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो लोग हैं जो रश्क के काबिल हैं। नंबर एक जिसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च करे। नंबर दो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो अल्लाह की राह में खर्च करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दो लोग रश्क के काबिल।
कभी हमने सोचा कि हम कहीं अल्लाह ताला के करीब बंदे बन जाए, करीब तरीन लोगों में से हो जाए। हमारा बड़ा दिल करता है कि हम सेलिब्रिटीज के करीब तरीन हो जाए, हम अपने उस्ताद के करीब तरीन हो जाए। आप एक क्लास में बैठे हैं, आपकी टीचर पूरी क्लास से पूछती है कौन मॉनिटर बनेगा क्लास का, तो पूरी क्लास हैंड रेज कर देती है कि टीचर आपका काम मैं करूंगी। ये अल्लाह का कुरान आपके सामने पड़ा है, अल्लाह अगर आपसे पूछेगा कि मेरा काम कौन करेगा, फिर हम डर जाते हैं, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती। अगर हम दुनियावी डिग्रीज हासिल कर सकते हैं तो बेटा कुरान भी पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, और हम अनअमता नहीं में से हो सकते हैं। कोशिश तो करें ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। सोच तो बहुत दूर की बात, फौरन से डर जाते हैं, नहीं 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 ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ी सी भी गलती होगी पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें ऐसे डरा दिया गया है कुरान से कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे आज भी याद है मेरा, जब मैं मतलब मेरे बच्चे छोटे थे, नॉर्मली क्या होता है कि माएँ बच्चों को अवॉइड कर रही होती हैं कि जी मैं क्योंकि कुरान पढ़ी हूँ, बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, ऐसे करती हैं माएँ बच्चों के साथ। तो मैं जब अपने साथ बेटे को लेके बैठती थी तो मैं ऊंची आवाज में तिलावत किया करती थी, और अपने छोटे अपने बेटे को एट दैट टाइम बहुत छोटा था, तो उसको भी क्रेविंग होती थी कि जो मामा कर रही है वो मैंने भी करना है। तो वो साथ बैठा हुआ होता था और मैं उसको क्या करती थी, छोटी सी दुआओं वाली बुक मिलती है कुरानी और मजनून दुआओं की, तो मैं उसको कहती थी ये बड़े वाला कुरान मजीद है, ये मामा का है, आप मामा के साथ बैठो, ये छोटे वाला आपका, ताकि उसकी एक एफिलिएशन हो जाए कुरान के साथ। बच्चे को ये कभी मत कहे नहीं नहीं बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, गंदे हाथ नहीं लगाना, ये पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बच्चों को बताएं, हम पहले दिन ही बच्चे को डरा देते हैं, पता नहीं कौन सी किताब है और अगर तुम इसको हाथ लगाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये वही डर है कि हम जवान भी हो जाते हैं, हम कुरान को पढ़ते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो जाएगी, क्या गुस्ताखी हो जाएगी, और इस डर के मारे हम उसको पढ़ते ही नहीं है। लास्ट ईयर की बात है, एक लड़की को मैंने बड़ा कन्विंस किया, बेटा आए कुरान की तरफ, आए आए आए, बड़ी मुश्किल से कहीं वो एक दिन कुरान की में आई। और पहले तो वो ये इस डर से आ नहीं रही थी कि मैम अगर बीच में मैंने छुट्टी की तो पता नहीं मुझे कितना गुनाह हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये आपको किसने कहा, मैम मुझे लगता है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कहा आप आए तो सही, हो सकता आपका एक कदम जो है वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए, करते करते कहीं वो आ ही गई इस कुरान की महफिल में। मैंने कहा बेटा आप उस दिन बड़ी खुशकिस्मत हो गए जिस दिन आप आओगे। बड़ी मुश्किल से उसने जब क्लास एंड होने वाली थी ना, कोई आखिरी 15 से 20 मिनट में कहीं जाके ज्वाइन किया, बहुत मुश्किल से उसको मैंने कोई पता नहीं कितने महीने लगाए कि किसी तरह ये बंदी आ जाए। तो वो आई और आके उसने जब क्लास तो अटेंड कर ली, एंड देन उसने ग्रुप के अंदर एक मैसेज कर दिया कि जी ये मैम आपने जो है एक फलाने बंदे की एग्जांपल दी है, तो वो कुरान की के रेफरेंस से क्यों दिया, तो ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। एंड आई वाज जस्ट, और बाकी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम के मतलब मैम ने इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन बात ये कि अब आप देखें कि एक बंदा कुरान की महफिल में आया, उसने इतनी सारी मैंने आयात पढ़ के सुनाई, उसने उसको उसने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद उसको एक कोई बात मेरी कुछ बुरी लग गई और उसने उसको क्लिक किया, एंड देन नहीं। एक्चुअली क्या था कि एक पहली बात ये उसकी नियत ही नहीं थी, वो जितने उसने मुझसे बहाने की, मैंने कहा नहीं नहीं बेटा आओ तो सही, आओ तो सही, आओ तो सही, एक दफा तो आ जाओ, क्या पता तुम्हारा एक कदम ही कबूल हो जाए तुम्हारे हमेशा के लिए, तुम्हें इधर ही बैठ जाओ। बट उसने क्या होता है कि बेटा यहाँ पे कुरान की महफिल में आना ये बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है, अपने आप को एट दिस टाइम ब्लेस्ड फील करें। दूसरी चीज कुरान की महफिल से जुड़ जाना उसके बाद, ये उससे भी बड़ी सआदत की बात होती है, ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। जिनकी छुट्टियां होती हैं एक्चुअली अल्लाह नहीं चाह रहा कि वो बंदा आए, अल्लाह ताला सबको हिदायत है। हम ये भी नहीं कह सकते किसी के बारे में कि किसी पे अल्लाह का अजाब आ गया या किसी से अल्लाह खुश है या नहीं है, हमारा ये काम किसी के बारे में कुछ भी कहना नहीं है। हमारा काम ये है कि हम हर किसी को कहें कि आए ये बहुत प्यारी किताब है, हम लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं,
हमारा काम है सिर्फ नसीहत करना, अगला पकड़ता है या नहीं पकड़ता हमारी नसीहत हो गई, हमारी हिदायत हो गई। तो और सबसे बड़ी चीज बेटा इसमें, जब आप कुरान के रास्ते में चलेंगे शैतान आएगा, और शैतान का वादा है कि वो आगे से भी आएगा, पीछे से भी आएगा, दाएं से भी आएगा, बाएं से भी आएगा, वो तो आएगा। और वो कोई आप लोगों का बहुत कमजोर किस्म का जो है दुश्मन नहीं है। शैतान हर उस रास्ते पे बैठा है जो कि जन्नत की तरफ जाता है, यहां तक कि जब बंदा मरने लगता है ना, मरने लगता है, तो उस वक्त भी शैतान और फरिश्ते दोनों की ताकतें ऊपर इंसान के ऊपर हावी होती है, लेकिन इंसान के ऊपर वो वाली ताकत ज्यादा हावी हो जाती है जिसमें उसने जिंदगी गुजारी होती है। अगर तो उसकी ईमान वाली जिंदगी होती है, एंड पे जाके ईमान हावी हो जाता है, और अगर उसने जो है शयातीन वाली जिंदगी गुजारी है, तो शैतान उस पर हावी हो जाता है। ठीक है, तो एंड पे भी शैतान बैठा होता है कि किसी तरह ये इंसान कुफर करे और ये जहन्नम में चला जाए। शैतान छोटा दुश्मन नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान ने खुद क्लेम किया है कि मैं गुमराह करूंगा हर हर कदम पे। ये वो शैतान है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा को जन्नत से निकलवा दिया था। नबी थे, हम आम इंसान हैं, आम इंसान, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि मैं शैतान से बच जाऊंगी और मेरा ईमान पे खात्मा होगा? मैं ये कैसे क्लेम कर सकती हूँ? मैं ये कैसे क्लेम कर सकती हूँ कि मैंने पहला कलमा पढ़ लिया और इस बेस के ऊपर मैं सीधी जन्नत में चली जाऊंगी और अल्लाह मुझे बख्श देगा? अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि मैं जो हूँ बदले के दिन का मालिक हूँ, मैं इंसाफ के दिन का मालिक हूँ। और फिर हम अहादीस में ये भी पढ़ते हैं कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। हम कुरान मजीद में भी ये पढ़ते हैं कि क्या इल्म वाले और क्या बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। नंबर दो, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज्यादा करीब वो है जो कि मुत्तकी और परहेजगार है। आज हम वही मुत्तकी और परहेजगार की निशानियां पढ़ने जा रहे हैं, और मुझे ये आयात बड़ी प्यारी लगती है। आगे जो है अल्लाह ताला ने हमें कहा, अब तो ये हो गया अन अमता अलैहिम, और हम अपने आप को देख लें हम इन चार में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला हमसे कह, अल्लाह ताला ने ये हमें दुआ सिखाई है। फिर हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं, गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जलाना जिन पर तूने ग़ज़ब किया, जिसमें यहूद थे। ठीक है, यहूद का सारा इल्म जो है उनके उलमा के पास था, इसलिए उन पे गजब ढाया गया है। क्या हमारा इल्म भी सारा उलमा के पास है? उनके आम बंदे के पास उनका इल्म नहीं था, सिर्फ उलमा जो है उनके पास उनका इल्म था। क्या मेरा इल्म भी, क्या मुझे इतना पता है कि अगर रमजान गुजारना है तो उसकी क्या क्या जो है जरूरियात हैं? या हमें बार बार किसी ना किसी कुरान टीचर को फोन करके पूछना पड़ता है, अच्छा मुझे बताएं ये मसला ऐसे है कि ऐसे है? और हर साल यही टैग क्वेश्चंस होते हैं, हमारे इनबॉक्स भर जाते हैं। नो डाउट बेटा, आप करें, जरूर मैसेज करें, वी आर देयर टू आंसर यू। लेकिन आप देखें कि गजब किन पे हुआ था, जिनका इल्म सिर्फ उनके उल्मा के पास था। कुरान मजीद का इल्म सिर्फ उल्मा को सीखने के लिए नहीं है, नहीं तो ये किताब हर घर में ना पड़ी होती। उनकी जो इल्हामी किताबें वो सिर्फ हैकल में पड़ी होती थी। हमारा कुरान हर घर में पढ़ा है, हमारा कुरान मजीद हर घर में पढ़ा है। फिर आगे बात हुई वलज़्ज़ालीन की। वलज़्ज़ालीन कौन थे? ज़ालीन कौन थे? वो जिन जो के गुमराह हैं, जिनको इल्म हासिल, जिन्होंने इल्म हासिल किया, जिन्होंने हक को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उससे इनकार कर दिया, जिनके पास इल्म आ गया था, यानी कि ईसाई, यहूद और नसारा की यहाँ पे बात हो रही है। और अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा का जिक्र हमें स्टोरी सुनाने के लिए नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं, इसलिए हमें ये स्टोरी सुनाते हैं कि कहीं ये खामियां मेरे अंदर तो नहीं,
कहीं मैं इनमें से तो नहीं हूं? दीज आर नॉट द एंटरटेनिंग स्टोरीज. ठीक है, ये जो जिक्र है यहाँ पे हम सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा उन्होंने ऐसे किया था ना, हमने तो ऐसे नहीं किया. ठीक है, यहूद ये कहते हैं कि हम जो हैं हजरत, मेरे जहन से निकल गया, ये लोग कहते हैं कि पता नहीं हम लोग पता नहीं कौन से नबी के बेटे हैं इसलिए हम जन्नत में चले जाएंगे. और ईसाई कहते हैं कि हम क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहि सलाम के बेटे हैं. ठीक है, हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं और हम क्योंकि उनकी कौम में से हैं तो इस वजह से हम जन्नत में चले जाएंगे. सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह तो बेटे कहते हैं तो इस वजह से वो जन्नत में चले जाएंगे. और मुसलमान कहते हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हम जन्नत में चले जाएंगे. यहाँ कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ कि आप अगर मुसलमान पैदा हो गए हैं तो आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे. कुरान मजीद में साफ लिखा हुआ है कि जन्नत में जाने वाले बहुत कम होंगे, हिदायत याफ्ता लोग बहुत कम होंगे. बेटा हिदायत बहुत प्रीशियस चीज होती है, जो प्रीशियस होती है वो महंगी भी होती है और इजीली मिलती भी नहीं है. अल्लाह ताला से मांगिए, या अल्लाह मुझे हिदायत चाहिए, मुझे वैसी वाली चाहिए जैसी तुझे पसंद, मुझे उस रास्ते पर चला जो तुझे बहुत पसंद है. यकीन जानिए वो इतना आसान रास्ता है. अल्लाह आपको वहां से इज्जत देगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा, जहां पे आपका गुमान भी नहीं देगा. सिर्फ ये रास्ता इख्तियार करके देखिएगा कभी. आज ही अल्लाह ताला से दुआ मांगे, आज ही नवाफिले हाजात पढ़ें. या अल्लाह मैंने आज इरादा किया तो मेरे लिए ये रास्ता आसान कर दे. आज नवाफिले हाजात सब पढ़ेंगे, सब ने पढ़ना. हम देखें कुरान स्टार्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं. ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बीच में तीन छुट्टियां फिर रुक गए. अब अल्लाह ताला से दुआ मांग लिया, या अल्लाह मुझे सॉरी मेरा नेट जो है ना बंद हो गया था, कामिल हिदायत अता फरमा, मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला, मुझे सब्र इस्तकाम सब्र और इस्तकामत अता फरमा. जब मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा. ठीक है, और मेरे ख्याल है मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया. यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे. तो एक्चुअली हम अपने रब को जानना शुरू होते हैं कि वो क्या है, फिर हम कोई भी बुक उस वक्त तक नहीं पढ़ते जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं होता. आज हम हर वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, हर वो डिग्री लेने की कोशिश करते हैं ना कि जिसका स्कोप होता है. इज इट सो? ठीक है, क्योंकि स्कोप है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा है ना? हालांकि हमें वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है लेकिन क्योंकि स्कोप है इस वजह से हम पढ़ रहे हैं. कितने सारे लोग हैं, 99% लोग हैं जो सिर्फ स्कोप की खातिर पढ़ते हैं, उनको सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, इसके बावजूद वो वही सब्जेक्ट पसंद करते हैं जो कि स्कोप जिसका होता है, जिसकी वजह से वो आगे निकल जाए. यानी कि इंसान कामयाब होना चाहता है, इंसान फलाह के रास्ते पे चलना चाहता है. ठीक है, और एक ही रास्ता है फलाह का, कुरान और नमाज. ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इस पे चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, नंबर एक कुरान और नंबर दो हदीस. ये दो चीजें. ठीक है, तो अब आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है? ठीक है, मैंने कहा ना स्कोप वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन क्योंकि स्कोप है इसलिए पढ़ रहे हैं. और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम खुद चाह रहे होते हैं कि अब मैं इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर दूं. फिर हम 10 लोगों को कॉल करते हैं, अच्छा जरा बताना ये जरा इसके दो चार नोट्स ही दे.